मैं 90 में विधायक बना था और 90 से 2005 तक मैं 122 उदा किशनगंज का मैं विधायक था। मैं महान जनता के चरणों में नमन करता हूं कि जनता ने हमें चुना। देन माननीय लालू प्रसाद जी के शासन में विकास का कोई माहौल नहीं था, संसाधन की कमी थी। उस वक्त मनरेगा योजना या सर्व शिक्षा अभियान नहीं थी। विधायक कोटा में भी 1 करोड़ राशि की उपलब्ध नहीं था। उसके बावजूद जब मैं विधायक बना तो मेरे 34 पंचायत के अंतर्गत, उस समय मैं 34 पंचायत था, किसी गांव में विद्यालय में भवन नहीं था, कोई गांव में ईटा सोलिंग रोड नहीं थी, किसी नदी में पुला नहीं था, कोई गांव में बिजली नहीं थी। मेरे कार्यकाल में कोई विद्यालय भवन ही नहीं बचा। अधिकांश पंचायत का मूल गांव कोई बिना ईटा सोलिंग रोड का नहीं बचा, कोई नदी पर पुला बनाना बाकी नहीं बचा, कोई गांव बिजलीकरण से करने से बाकी नहीं बचा। लगभग 150 विद्यालय पक्का मकान, 2 ही कोठली का सही, लेकिन हमने बनाया। 300 किलोमीटर ईटा सोलिंग रोड बनवाई, लगभग 3000 छोटा छोटा कलभर हुई पैप बनवाया और 25 नदियों पर बड़ा बड़ा पुल बनवाया। और विकास में हमने कोई भेद नहीं देखा, वहाँ भी हमने पुल बनवाया जहाँ हमें वोट नहीं मिलता था, वहाँ हमने पुल बनवाया जहाँ तत्कालीन उस समय के मतदाता कोई ज़्यादा उस समय में मुसलमान नहीं था, तब भी हमने बनवाया। अब बिजलीकरण करवाया, जहाँ स्कूल, सड़क, पुल और पुलिया एक समान विकास का है। रैन बसेरा बनवाने काम किया, चबूतरा और रंगमंच देने काम किया। वहीं जब मैं बिजली मंत्री बना हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 50 मेगावाट का पावर ग्रिड उदा किशनगंज जैसे छोटे ब्लॉक में, स्थान में, किसी माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के क्षेत्र में भी नहीं है। 50 मेगावाट का पावर ग्रिड हजारों या लाखों होगा देश में, लेकिन उदा किशनगंज जैसे कस्बा में नहीं है। बिहार में कभी कमिश्नरी हेडक्वार्टर में है भी, सिर्फ कमिश्नरी हेडक्वार्टर में, तो 20 मेगावाट का। उदा किशनगंज हमने 50 मेगावाट का पावर ग्रिड दिया। ग्वालपारा और बिहारीगंज 7 किलोमीटर पर 1 ब्लॉक से 2 ब्लॉक का निर्माण कराया, तो 7 किलोमीटर पर पावर सब स्टेशन, सब ग्रिड भी दिया। और फिर मैं कहूं कि मेट्रो सिटी शहर में भी 5-7 किलोमीटर पर बिजली का सब स्टेशन नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ किशनगंज में पावर ग्रिड है, किशनगंज में पावर सब स्टेशन भी है, ग्वालपारा में पावर सब स्टेशन है और बिहारीगंज में पावर सब स्टेशन है। उस समय में हमने ये पॉलिसी कर दी थी कि 100 केवी और 63 केवी से कोई ट्रांसफार्मर कम नहीं रह सकता। कंज्यूमर नहीं बना था, लेकिन गांव का बिजलीकरण हमने करवा दिया था। बिजलीकरण पहले हुआ, कंज्यूमर बाद में बने। आरआर धार एक छोटी नदी है, लेकिन वहाँ पर 12 मेगावाट का पनबिजली परियोजना जो हमारी स्वीकृत थी वह आज तक चालू नहीं हुआ है। ये बिजली मंत्री के रूप में उपलब्धि है। इंडस्ट्री मंत्री के रूप में हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर दिया और उसमें हमारा मिशन था कि वहाँ पर इंडस्ट्री के अफसर बैठेंगे, वहीं पर इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन होगा, फूड प्रोसेसिंग का, स्मॉल इंडस्ट्रीज का, कुटीर उद्योग का, लघु उद्योग का,
उसके बाद वहाँ जो है प्रोजेक्ट बनेगा, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जो काज पूरा नहीं हो रहा है उसी में डेयरी फार्म आज कार्यरत है। पूरे बिहार का पहला फूड पार्क योजना है, स्वीकृत था व स्वीकृत नहीं, अभी तक चालू नहीं हो सका है। इसी सरकार का जो है तत्कालीन वह मंत्री था, उसे क्वेश्चन पर पूछा गया तो सरकार का जवाब था कि उदाके सुमन फूड पार्क स्वीकृत है लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं बना है। हमने मुख्यमंत्री जी को तीन तीन पत्र लिखा है कि जमीन एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, कृषि बाजार समिति बिहारीगंज, कृषि बाजार समिति मुरलीगंज या एग्रीकल्चर फार्म या आरआर रेशना के पास में 22 एकड़ जमीन है, कहीं आप बनवा दीजिए, लेकिन नहीं बन पाया। तो आपको क्या लगता है कि आपके समय में जो आपने काम को आगे बढ़ाया था तो अगली सरकार उस काम को नहीं कर सकी? मैं कह रहा हूँ कि एक सरकार यहाँ 25 वर्ष तक आदरणीय श्री शरद यादव सांसद रहे हैं, क्या वो अपनी उपलब्धि बताएं? और 10 साल की नीतीश बाबू के शासन को उपलब्धि बताएं? मैंने अपने शासन को उपलब्धि बताया जो प्रमाण है। नहीं तो आपके और आपके हिसाब से विकास का भी काफी उस समय में हुआ था। एक मेरे हिसाब से कि विकास का नमूना है तो अभी यानी कि क्षेत्र में विकास है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि हमने एक ब्लॉक से दो ब्लॉक का निर्माण कराया, पावर ग्रिड बनवाए, सभी ब्लॉक पीछा पावर का सब स्टेशन दिया, आरआर धार की पनबिजली परियोजना स्वीकृत करवाई जो अभी तक 10 सालों में उसको चालू नहीं कर पाया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बना, जितना तक हमने किया था उसका विस्तार नहीं हुआ, फूड पार्क योजना स्वीकृत थी जो नहीं हो पाया। क्या आपको लग रहा है कि जहां कहता है कि बिल्कुल लाल कपड़ा देके जैसे भैंस भरकता है वैसे विकास का नाम सुनकर के माननीय लालू प्रसाद जी भरकते थे और वह कहते थे कि हमारे राज्य में कर्मचारी को वेतन देने का पैसा नहीं है, वो संसाधन का जहां अभाव था और मनरेगा और सर्वशिक्षा अभियान जैसी योजना नहीं थी, उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि हमें विरासत में मिला था कोई विद्यालय पक्का मकान नहीं, कोई गांव में ईटा सोलिंग रोड नहीं, कोई नदी में पुला नहीं, मैक्सिमम गांव में बिजली नहीं, हमने सभी विद्यालय में भवन ही, कोई विद्यालय भवनहीन नहीं, मैक्सिमम कोई गांव बिना ईटा सोलिंग रोड का नहीं, कोई नदी पर पुला बनाना बाकी नहीं और मैक्सिमम गांव बिजलीकरण हुआ। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कार्यकाल हमने किया स्वयं माननीय लालू प्रसाद के क्षेत्र राघोपुर और सोनपुर में यदि यह हो गया हो तो मैं चुनाव ड्रॉप कर दूंगा। चलिए दूसरा प्रश्न है मेरा कि पहली बार आप भाजपा से चुनाव मैदान में, जबकि कोसी समाजवादियों की धरती मानी जाती रही, ऐसे में क्या लगता है कि लोग भाजपा से कितना आकर्षित हो पाएंगे इस क्षेत्र में? कोसी की आपने सच ही प्रश्न किया है, कोसी समाजवादियों की धरती रही है। समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और स्वर्गीय भूपेन्द्र नारायण मंडल थे। समाजवाद का राजनीतिक स्वरूप था गैर कांग्रेसवाद, दूसरा वंशवाद का विरोधी, तीसरा सामाजिक न्याय उसका मूल मंत्र था। आज तो असली समाजवाद की पार्टी का स्वरूप भारतीय जनता पार्टी है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बची हुई है जो गैर कांग्रेसवाद के प्रतीक हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, स्वर्गीय भूपेन्द्र नारायण मंडल और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जिंदगी में भर कभी भी कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के साथ कोई साठगांठ नहीं किया था। तो ये तो अभी जो पार्टियां हैं ये तो कांग्रेस के पर्यवाची बने हुए हैं, छाया बना हुआ है, ये समाजवादी हैं कैसे? और इनको लोहिया जयप्रकाश कर्पूरी ठाकुर भूपेन्द्र नारायण मंडल का उसका राजनीतिक नाम लेने का कोई नैतिक अधिकार है कैसे?
दूसरी बात कि डॉक्टर लोहिया चौधरी चरण सिंह कर्पूरी ठाकुर भूपेंद्र मंडल वंशवाद के विरोध करते थे, नेहरू इंदिरा राजीव और आज उसी धारा पर हैं, ये समाजवादी हैं कैसे। तीसरी बात, सामाजिक न्याय की असली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है कि एक अति पिछड़ा के बेटा को, एक अति पिछड़ा, दूसरा कर्पूरी ठाकुर हजाम के बेटा थे, उनके पिताजी हजामत करते थे, वह हमारे राजनीतिक गुरु हैं। ठीक उसी प्रकार जिनका बाप प्लेटफार्म पर चाय बेचने का काम करते थे, जिनके पिताजी आदरणीय प्रधानमंत्री के पिताजी रेलवे प्लेटफार्म पर चाय बेचने का काम करते थे, जिनकी पूजनीय माता वह धन है जो दूसरे के घर में दाय माँ की काम करती थी, वह देश का प्रधानमंत्री है। इससे बड़ा और सामाजिक न्याय का ज्वलंत और प्रमाणिक उदाहरण क्या हो सकता है। अच्छा चलिए, अगला प्रश्न है कि यहाँ पिछली बार जदयू के विधायक थे बिहारी विधानसभा क्षेत्र में और नीतीश का शासन था और नीतीश को विकास पुरुष कहा जाता था, ऐसे में क्या लगता है कि उनके शहर में कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में? मैं कह रहा हूँ कि से घनघोर अंधेरा में एक चिंगारी भी जलती है तो वह एक रोशनी नजर आता है। तो लालू यादव के कुशासन के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से और भारतीय जनता पार्टी के त्याग कुर्बानी बलिदान के बल पर नीतीश बाबू ने जो कुशासन की बागडोर मिली और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आदरणीय सुशील मोदी की वित्तीय प्रबंधन की अद्भुत क्षमता और उनके सभी मंत्रिमंडल में, चाहे पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी हो, स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी हो, उसके चलते जो विकास हुआ है वही विकास का तगमा लगा है और वही विकास की क्षमता नीतीश बाबू में थी। तो क्या हाल हो गया ये 18 महीनों में? गठबंधन टूटने के बाद नीतीश जी का क्या कहना था आगे बता दीजिए, आगे चलिए। अच्छा, आप किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में? मैं सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ता हूँ। मैंने कहा कि मैं राजनीति को सेवा भाव से लेता हूँ, मेरा काम सेवा और विकास करना है और मैंने कहा कि विकास के लिए वहाँ किया है और आपसे मेरी प्रार्थना है, आपके माध्यम से संपूर्ण मीडिया से मेरी विनम्र प्रार्थना है या अपील में जानना चाहता हूँ जाए कि बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र का जो पहले वाला हमारा कार्य क्षेत्र है, किसी भी जाति बिरादरी से, किसी भी मजहब के लोगों से, जो आज हमें चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो जात के लोग हो, या महादलित टोले में भी, कृपया वह अंतरात्मा के आवाज से जाके पूछे कि रविंद्र चरण यादव के विषय में उनकी क्या धारणा है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी आईना जो है विवेक का खुल जाएगा, हमको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।